अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप स्टोरेज के वाले से। ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है। अगर स्टोरेज के वाले से आपको कोई भी इशू आ रहा है तो ये वीडियो मुकम्मल देखिए कि आपके स्टोरेज के वाले से सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये तीन डॉट जो नज़र आ रहे हैं इन पर क्लिक कर देना है और नीचे जो है ना सेटिंग का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन जो है हेल्प के ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं उसके बाद सबसे टॉप पे मैनेज स्टोरेज किस तरह से कर सकते हैं ये आपके पास मुकम्मल उसने जो है ना वो निकाल के दिखा दिया है कि कितना आप स्टोरेज की वीडियो के लिए कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोटो के लिए कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा आप वॉइस मैसेज के लिए जो है ना वो कितना कर रहे हैं। इसी तरह जो आपने फॉरवर्ड्स मैनी टाइम किया है वो सामने आ जाएगा। ये चूँकि मैं ऑनलाइन क्लॉथ बिजनेस करता हूं तो इसके लिए साथ वो जो है ना बता रहा है। तो ये क्लॉथ बिज़नेस भी अगर आप करना चाहते हैं तो ब्रॉड जो है क्या नाम है इसका, अगर आप क्लॉथ बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो फेसबुक मार्केट प्लेस के वाले से हमारी मुकम्मल वीडियोस बनी हुई हैं तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह आप जो है ना घर बैठे कपड़ों को सेल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास मुकम्मल उसने जो है निकाल के दिखा दिए। सबसे टॉप पर व्हाट्सएप मीडिया दिखाया है और एप्स एंड अदर आइटम जो है ना यहाँ पे साथ दिखाई हुई हैं। तो जो हमारे पास जो है ना दो कलर दिखाए गए हैं व्हाट्सएप मीडिया के लिए उसने निशान जो है ना ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है और साथ जो है ना येलो कलर इस्तेमाल किया है एप्स एंड अदर आइटम के लिए कि ये मेमोरी इसके लिए जो है ना आपने इस्तेमाल की है। और अब साथ फ्री बता रहा है कि 3.1 आपके पास बच गई है। यहाँ से ये भी मज़े का फीचर आता है कि आपके पास फ्री मेमोरी जो है ना वो कितनी है। फॉरवर्ड मैनी टाइम जो किया है तो आप इसको जो है ना वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, आल पे क्लिक करें यहाँ से ये, और ये क्लिक करने के बाद आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं डिलीट नहीं करना चाहता। और लार्जर देन 5 MB, जो 5 MB से ज़्यादा आपकी फाइल्स हैं तो यहाँ से आप क्लिक करने के बाद उनको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे और सारी फाइल जो है ना आपकी यहाँ से टिक करने के बाद जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप आगे जो ऑप्शन आ रहा है चैट्स का, इसमें MC 126 आपने सबसे ज़्यादा डाटा किसके साथ शेयर किया, वीडियोस, ऑडियो, इसके अलावा जो है ना मैसेज वगैरह, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। 301 MB जो है इसके साथ है। इसी तरह नीचे जो है वो चलता जा रहा है और बताता जा रहा है। और इसके बाद पीछे आ जाएंगे, यहाँ से आप लोग डिलीट करना चाहें तो कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। नेटवर्क यूजेज के बारे में आपको बताएगा कि आपने सबसे ज़्यादा जो है ना सेंड के लिए आपका कितना जो है ना डाटा इस्तेमाल हुआ, कितने MB इस्तेमाल हुए हैं, और इसके अलावा रिसीव्ड के लिए कितने हुए हैं टोटल उसने ऊपर बताए हुए हैं। कॉल्स के लिए, मीडिया, गूगल ड्राइव के लिए, मैसेज, ये मुकम्मल जो है ना यहाँ पर उसने तफसील बताई हुई है। अगर इनको रीसेट करना चाहें तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा मज़े का जो है वो फीचर है। उसके अलावा वो कहते हैं यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल, कॉल्स के लिए अगर कम आप MB इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं तो कम MB आपके इस्तेमाल होंगे। मैं इसको फिलहाल ऑफ ही रहने देता हूँ। व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, जी जब आप मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कौन सी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर मोबाइल डाटा ऑन होगा, बाद का होता है ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सारा कुछ जो है वो आपका ऑन होता है तो यहाँ से अगर आप फोटोज़ पे करेंगे सिर्फ फोटोज़ होंगी, बाकी ऑडियो अगर आप करना चाहें क्लिक करने के बाद वो भी हो सकती है, लेकिन ऑटो जो होती है ना वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें फोटोज़ और डॉक्यूमेंट दो चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर लें, बाकियों को ना छेड़ें। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना वो आ जाएगा व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, जब वाईफाई के साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सब पे टिक किया हुआ है, आप भी यहाँ से सब पे कर सकते हो। व्हेन रोमिंग, अब ये रोमिंग क्या होता है, जैसे आप किसी अदर कंट्री में रहते हैं और पाकिस्तान में आ जाते हैं, जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो इस्तेमाल होती है एसकॉम की सिम, अगर हम यहाँ से पाकिस्तान में जाते हैं तो डाटा रोमिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सर्विस आपको सर्विस मिल जाएगी एसकॉम की या जोंग की। तो डाटा रोमिंग जब इस्तेमाल करेंगे कुछ चार्जेस आपकी अप्लाई होंगे, लेकिन आप डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे, नेट वाला जो है ना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हमारे खास जो है ना काम आने वाला फीचर नहीं है। खैर अगर आपको इस्तेमाल करना चाहें तो इसके बारे में जो है ना आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। आगे है जी फ़ोटो अपलोड क्वालिटी, ये यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, या तो ऑटो रहने दें या बेस्ट क्वालिटी रहने दें या डाटा सेवर। तो अगर आप डाटा सेव करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें यहाँ से डाटा सेवर कर लें, अगर आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी यहाँ से आप टिक कर लें। तो ये ऑप्शन थे आपके पास कि किस तरह से आप जो है ना अपना व्हाट्सएप का स्टोरेज जो है ना उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है, और उसके बाद जो है ना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द मौजूद मामलों का ख्याल रखिएगा।